नंबर क्या है? पहली चीज, आपको पेन वहां ब्लैक ही मिलेगा, ध्यान रखना, ब्लैक पेन मिलेगा वो यूज करना है, लेके नहीं जाना है। पहला लिखा हुआ रोल नंबर इन फिगर्स, मतलब नंबर में लिखा हुआ रोल नंबर आपके जो भी है, देख लो मैं लिख देता हूँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, मान लो ये आपके रोल नंबर है। गुरु जी कोई नहीं, आपने बता दिया, हमने मान लिया रोल नंबर अपने ये है। फिर नीचे लिखा हुआ रोल नंबर इन फिगर्स, फिगर्स का मतलब अपने को अंकों में नहीं लिखना, शब्दों में लिखना है। 2 लिखा हुआ है तो नीचे लिख दो टी डब्ल्यू ओ, 3 है तो THR EE, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, जैसा भी आपका लिखा हुआ है एक बुक्स में एक लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जो भी लिखा हुआ आपको एग्जैक्ट लिखना है। फिर एक क्वेश्चन बुकलेट नंबर, मैं बता दूं आपको, बुकलेट जो अपना पेपर आएगा उसके ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ऐसा तिरछे अक्षरों में लिखा होगा इस साइड में, ऐसा 5 अक्षर होंगे उसमें, ठीक है। वो 5 अक्षर यहाँ लिखना है 2, 3, 2, 3, 1, जो भी आपका, ठीक है। सीरीज ए है तो ए, बी सी डी जो भी आपके सीरीज आती है, डिटेल्स है ना। पहले अपने को रोल नंबर फिल करना है, वर्ड में फिल करना है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर देख के लिखना है क्वेश्चन के, और जो हमारे बुकलेट नंबर लगभग सेम होंगे, एज इट इज मैंने देखा है काफी एग्जाम सेम आए ये। फिर दिखा हुआ है रोल नंबर, ये आपको बॉक्स दिया हुआ है अगले साइड जो फ्रंट पेज है ना उसको शो करने के लिए, मैंने तो फ्रंट पेज तो ये है पहला प्रश्न, दूसरा पेज उधर रहता है, तो उसमें जो अपना नंबर लिखा होगा देखो ऐसे लिखना होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा और जूम कर देता हूं दिख जाए तो, ये देखो मेरे हिसाब से अब दिख रहा होगा है ना, अब सही दिख रहा है, एक बार कमेंट कर दो बेटा सही दिख रहा है क्या। आदित्य प्रताप जी कह रहे हैं हिंदी में, बेटा हिंदी में भी आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन इंग्लिश में बेस्ट करोगे। एक चीज बता दो बेटा, यहां अगर आपने 4FOR लिख दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, FOUR लिखो कोई कंपलसरी नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है कोई बड़ी वाली बात नहीं, आप घबराना मत। आपको फील जो डार्क सर्कल करने हैं वो अच्छे फील करने हैं, रोल नंबर तो आप 4FOUR की जगह FOR कर दोगे तो 5 की जगह FIV की जगह FIVV कर दोगे तो भी कोई बात नहीं है, चल जाएगा वो, मैंडेटरी नहीं है, आपको बता दिया जाएगा। पूछ लेना कि सर मीनिंग क्या होगी, आपसे नहीं बताता पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया रितेश नागर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बेटा, आप भी इस लाइक हो गए कि मेरे को बताओगे, बहुत बढ़िया। देखो रोल नंबर फिल करना है आपको, ये फ्रंट पेज पे करना है अपने को, लिखा हुआ है 1 से लेकर 0 तक, 9 से लेकर 0 तक लिखा हुआ है। देखो आपको 1 लिखना है, बॉक्स आपको मिलेगा ही सामने, 1 ऐसे लिखना है, 2 आपको ऐसे लिखना है, ये 3 आपको ऐसे फिल करने हैं, 4, 5 ये आपको एडिट पीछे देख के लिख लेना, पीछे लिखा हुआ आएगा वो मार्क्स शीट के ऊपर, आपको 1, 2, 3, 4 ऐसे फिल करने हैं। पहला पेज अपना क्लियर, इसके आगे देख लेते हैं, इसमें और ज्यादा कुछ खास है नहीं, ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन है। एक चीज और का पंजाबी यूपीएम पे वो देख लेना, मैं बता देता हूं, ये आ गई अपनी ओरिजिनल मेन मार्कशीट जो आपको फील करनी है, देख लो दिख गई होगी सबको, ओरिजिनल आ गई है, ओम प्रकाश जाटव जी लाइक का ओरिजिनल आ गई है। अब देखो इसमें जो मेन काम करना है ये है, पहली चीज रोल नंबर क्या भरने हैं आपको पता है, पहले मैंने बताया था 2 भरने कैसे हैं, ये वाली कंडीशन रखेंगे, देखो मैं बड़ा बताता हूं, ये 2 है अपने, 2 भर दिया आपने, उसके बाद भरने आपको 3 ये ठीक है, 4, 4, 5, 5, 6 भरोगे 6, 7, 8 और 9 भर दिया, कोई डाउट नहीं है। पहले देखना सेकंड नंबर, सेकंड नंबर को आपको यहां से डार्क करना है अच्छे से, थर्ड नंबर को यहां से डार्क कर दिया आपने, फोर्थ नंबर, यहां से आपने डार्क कर दिया, 5 3 बार देख के करना है, गलती नहीं करनी, 6, 7, 8 और 9, जो भी आपका नंबर है वो आपको मैंडेट करना है। थैंक यू सर, हमारा यही लिए मेहनत करने के लिए, हाँ बेटा ये आप मेरा काम है आपके लिए मतलब। फिर लिखा बुकलेट सीरीज, पहले आपको रोल नंबर करना है, रोल नंबर के बाद, रोल नंबर आपको परमिशन लेटर पे लिखे हुए साफ साफ,
उसके बाद आपको बुकलेट, आपके ए है, बी है, सी है, डी है, ये आपको पता है कौन सी होगी। ए है मान लो, तो आपको ए लिख दिया यहाँ पर। ए लिखने के बाद जैसे चार ऑप्शन दिए हुए उसी को आपको गोल करना है। ए लिखा हो तो ए को डार्क कर दोगे, जिसके बी है बी को डार्क कर दोगे। सेकेंड चीज, फिर लिखा हुआ है कैंडिडेट सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट सिग्नेचर, इस पर अपने को कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना। सेकेंड बॉक्स में कुछ नहीं करना है, पहले बॉक्स में करोगे, ये अपन ने अपने सिग्नेचर कर दिए, ये मैंने अपने कर दिए हैं, आपको अपने करने। सेकंड ऑप्शन में कुछ नहीं, क्रॉस नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, वो मार्कशीट में फालतू की चीज तो आपको बढ़नी नहीं है, ये मैं बता दूं आपको, कुछ भी नहीं करना है। पहले में साइन, साइन कौन से होंगे, जो अपन ने पेपर में किए हैं, जो अपना परमिशन लेटर में किए हुए हैं ना अपने साइन, जो अपने फॉर्म के समय किए थे, वो वाले अपने को साइन मेंशन करने हैं। ये अपना आधा काम हो गया कंप्लीट, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, नीचे आते हो, नीचे नहीं आना पड़ता। यहां लिखा हुआ कैंडिडेट स्टेट, पहली चीज रोल नंबर, दूसरा बुकलेट नंबर, तीसरा सिग्नेचर, चौथा चौथा राजस्थान, अगर राजस्थान है तो राजस्थान, अदर स्टेट से हो तो अदर स्टेट। देखो बेटा, अगर आप राजस्थान से हो तो पहला गोला भर देना, अगर आप अदर स्टेट से हो तो दूसरे वाला गोला आपको मेंशन करना है, राजस्थान वाले पहला गोला भर के छोड़ देंगे। नीचे आ जाओ भाई, आपको सब्जेक्ट चूज कौन से करना है, पहली चीज एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स, आप एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री के हो तो आप एग्रीकल्चर के पहला ये सर्कल आपको फील करना है, ठीक है, ये भी आपको फील करना है बायोलॉजी के लिए और तीसरा केमिस्ट्री के लिए। जिसके पास बायोलॉजी नहीं है, मैथमेटिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स है तो फिजिक्स तीनों ऑप्शन कर लेगा, जिसके पास मैथमेटिक्स फिजिक्स नहीं है वो तीनों कर लेगा, और जिसके पास एग्रीकल्चर नहीं है, बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स है तो वो कर सकता है। जो आपको तीन सब्जेक्ट आपने भरने हैं, एग्जाम देना है, वो आपको फील करने हैं। ये आप अपना काम कंप्लीट कर लिया है, देखो और नीचे से कुछ होता है तो, अब नीचे अपने कुछ नहीं है, बिल्कुल यही काम बचा था अपने, ये तीनों चीज अपन ने फिल कर दी। मान लो एग्रीकल्चर के हो तो आपने एग्रीकल्चर मेंशन कर दिया, स्टेट आपको राजस्थान करना ही था, बायोलॉजी आपको करनी ही है और केमिस्ट्री आपको करनी है। पहला पोर्शन आपका एग्रीकल्चर का आएगा, जो आपको अच्छा लगे वो मैं कहता हूँ सिक्वेंस लो। हाँ बच्चे, क्लास को ज्यादा शेयर कर दो बेटा, सबको पहुंच जाए, अपने स्टेटस पर लगा लेना इस क्लास का लिंक, मैं आपको डाल दूंगा, बच्चों को जल्दी जल्दी पहुंच जाए बेटा, ठीक है। ये काम एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री अपने कर लिया। इसके बाद क्या करना है, अपने को मैंडेटरी एक पोर्शन उठाना है, एग्रीकल्चर का लेना है तो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी का लेना है तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री लेना। मैं कहता हूँ पहले एग्रीकल्चर से शुरुआत करो आप, शुरुआत का मतलब पहले पेज से, मिस्टेक नहीं होगी भरने में, पहला पेज पहला क्वेश्चन आप ऐसा करना, पूरा पेपर अपने लिया हाथ में, देखा अपने मैंडेटरी क्या, जब इनिविजुअल तक कहेगा अध्यापक अपने को कहेगा ना खोलो, टाइम हो गया तभी खोलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अपन ने खोल लिया, खोलने के बाद आराम से पढ़ना, पढ़ लिया पहला पर्सन पढ़ो, आपको जो उत्तर आ रहा है उसको एक छोटा सा हल्का सा मार्क कर दो, पहले पर्सन पे उत्तर आ गया उत्तर पे हल्का सा मार्क कर दो, बड़ा नहीं लिखना है बेटा, पेपर पे कुछ लिखना नहीं होता, आप इशारा कर दो कि ये अपना क्लियर हो गया है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा, जैसे एक दो तीन चार क्वेश्चन दे रहा, आपको दूसरे पर थोड़ा सा डाउट है, आप बाद में करना चाहोगे उसको गोड़ा करके छोड़ दो आप, भाई मैं इसको बाद में देखूंगा, जो नहीं आ रहा है उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। आपने 20% कर लिए पहले चैप्टर में, एग्रीकल्चर में 20 कर लिए तो आप 20 को पहले फील कर दो। फील करने का तरीका, पहले देखोगे पर्सन नंबर एक, ऑप्शन नंबर चार, तो कौन सा आ गया, थर्ड आ गया, तो ये लो भाई थर्ड कर दिया। पेपर पे दोबारा जाओगे, दूसरा पर्सन नहीं किया, तीसरा पर्सन ये देखो, दूसरा छोड़ दो, तीसरे पे आ जाओ, तीसरे में कौन सा है, चौथा है, तो चौथे को तीन बार देख के भरोगे, गलती नहीं होनी चाहिए। फिर जो मान लो आपने सातवां करना, सातवें में एक भरोगे तो आपने एक भर लिया, दोनों तरफ से अच्छी तरह से देख के, गलती नहीं होनी चाहिए, गलती कभी भी नहीं करनी है किसी भी कंडीशन में। ऐसा करके आपने पूरे पर्सन कर लेने हैं, पूरे पर्सन पढ़ लेने, ऐसा नहीं कि अपने तीन पोर्शन है अपन डेढ़ घंटे तक करेंगे, लास्ट के आधे घंटे में एक पोर्शन क्लियर कर लिया, एक पोर्शन को पढ़ लो, एक पोर्शन पढ़ने में एक पेपर कंप्लीट कर, एक को पढ़ लो, दूसरा कंप्लीट किया दूसरे को फिल कर लो, तीसरा कर लिया तीसरे को फिल कर लो। उसके बाद आपको पर्सन काउंट करने हैं बेटा, फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया अपने पास, उसको पर्सन काउंट करने हैं। अगर आप एवरेज 70 से अबव 70 हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, अबव 70 आप फर्स्ट राउंड में पहुंच गए और आपकी तैयारी 80 के आसपास की है, तो फिर आपको सेकेंड राउंड में आपको 10 से 12 क्वेश्चन करने हैं बस बेटा, अबव 80 किसी भी कंडीशन में नहीं जाना है। 320 में आपको बढ़िया से बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, मैं कहता हूँ, अगर माइनस मार्किंग करोगे तो गलती आ जाओगे। फर्स्ट राउंड जितना कर लिया उसके बाद आप 15 क्वेश्चन से ऊपर नहीं जाओगे किसी भी कंडीशन में, ये मैं कह रहा हूँ, फिर आपको लगे तो देख लेना। अगर आपने फर्स्ट राउंड में 80 किए हैं तो आप फिर 10 क्वेश्चन, ठीक है, अगर 100 किए हैं तो फिर 5 क्वेश्चन ऊपर बढ़ने हैं। आपके 110 हो गए तो गलती भी मत करना दोबारा पढ़ने की, बहुत है, मोर देन सफिशियंट है 100। देखना 70 कर रहे हैं तो 15,
इससे ऊपर नहीं पढ़ोगे, क्योंकि अपना बेसिक अपने को पता है अगर 70 आ रहे हैं तो सेकंड राउंड में अपन 15 कर सकते, 15 वही करोगे जो आपको हल्का सा इशारा था भाई ये कर सकता है, जो मैंने कहा था अंडरलाइन कर लेना उसको, गोल सर्कल कर लोगे, जिसको कंफ्यूज है भाई ये आएगा कि ये आएगा उसको कंफ्यूज दूर करना है बाद में जब पहला पर्सन अपना हो जाता है। मान लो कंफ्यूज था अपने 80 प्लस हो रहे हैं, अपना सफिशियंट कोटा हो गया है, फिर अपन उसको नहीं देखेंगे। ये अब आप अपनी पढ़ाई के अंदाज से अपने खुद के विवेक से अपने काम करोगे कि अपने को कौन सा मेंशन करना है, ठीक है। चलो बेटा ये तो बात हो गई किसकी, ओमार सीट की। अब ओमार सीट के बाद सभी बच्चों को बेटा पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। कल अपनी क्लास हो सकती है बेसिक में आऊंगा जरूर आपके सामने, आपको टाइम मिलेगा, कुछ बातें होगी, पर्सनली मिलूंगा आपको कल, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, ये दोनों चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दी, परमिशन लेटर के साथ आपको तीन चीजें हैं, कपड़ों का आपको विशेष ध्यान रखना, कोई भी मैंडेटरी सामान ऐसा अननेसेसरी कोई भी अपने पास नीड्स की जो रिक्वायरमेंट के सामान है वो नहीं होना चाहिए, अपने पास पेन भी नहीं होना चाहिए, अपने पास कोई भी की नहीं होनी चाहिए बेटा, ऐसा नहीं अपने कोई की रख ली, की भी अपने पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सभी को गुड नाइट बेटा, तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर बात करेंगे इसी के बारे में, तब तक के लिए लव यू सबको बेटा, आशीर्वाद, अपना पेपर अच्छा करें बेटा, धन्यवाद, राम राम।